ट्वीट में लिखा, तानाशाह दादी के पोते ने दिखाया अपना असली रंग। अरुण जेटली ने कहा, पत्रकार पर हमले से राहुल गांधी का डीएनए सामने आया, राहुल ने पीएम का इंटरव्यू लेने वाली पत्रकार पर निशाना साधा था। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के खिलाफ आज बीजेपी का केरल बंद, कल 40 साल से अधिक उम्र की दो महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश किया था। सबरीमाला मंदिर में दो महिलाओं की एंट्री पर केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े का विवादित बयान, कहा दिन दहाड़े हुआ हिंदुओं की आस्था का रेप, नाकाम साबित हुई विजयन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय की कोयला खदान में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सुनवाई, कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा आपकी कोशिशों से संतुष्ट नहीं है। सुनवाई में कोर्ट ने मेघालय सरकार से पूछा, 13 दिसंबर से कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए, रेस्क्यू में इतना वक्त क्यों लगा। अयोध्या मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस की बेंच तय करेगी कब से होगी सुनवाई। और सुप्रीम कोर्ट में यह भी तय हो सकता है कि अयोध्या मामले की सुनवाई सीजेआई की बेंच में या किसी और बेंच में होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर सोमवार को सुनवाई होगी, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया था। बीजेपी लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत रथ यात्रा निकालना चाहती है, जिसका मकसद पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में पहुंचाना है।